चीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में इस्तेमाल की जाने वाली प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल तकनीक से इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें एक फ्लैट की कीमत लगभग 6 लाख रुपए के आसपास होगी। इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 जनवरी को करेंगे। 128 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 15 महीने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि देश के सिर्फ 6 शहरों में शुरू की जा रही है, जिसमें इंदौर को भी शामिल किया गया है। जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है वो देश भर में ऐसे 6 शहरों को सिलेक्ट किया गया है, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट के तहत ये सभी घर बनाए जा रहे हैं। इसमें जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट इंदौर के घर हैं वो लगभग 1024 रहेंगे, और इसकी साइट जो ये कार्यक्रम की साइट है यही रहेगी कनाड़िया में। इनका इसमें सैंडविच पैनलिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका उद्देश्य ये है कि जो निर्माण की नई नई तकनीकें हैं उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करें। प्रधानमंत्री आवास में ये अलग से जो टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है उनको ये दायित्व दिया गया है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ नई नई प्रमोट की जाएं, ताकि आने वाले समय में निर्माण में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट इसको इसीलिए कहा जा रहा है ताकि औरों को भी ये दिशा दिखाएं और इस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें प्रमोट हों। 1 तारीख को इसका जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म से किया जाना है, तो उसी के लिए जो निर्माण की तकनीकी है उसमें सैंडविच पैनलिंग में ये रहता है, ये टाइम कंज्यूम कम करती है और इसकी टेक्नोलॉजी दूसरे प्रकार की होती है, बाकी सभी जो इंग्रेडिएंट है वो उसी प्रकार से रहे। प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल तकनीक में सीमेंट या कैल्शियम सिलिकेट के पैनल फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, और इसके बाद ईंट जुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। RCC और स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद यह पैनल लगा दिए जाते हैं। पहले से तैयार फ्रेम लगाने के कारण पानी का इस्तेमाल भी इसमें नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन की गति बढ़ जाती है। हल्का मटेरियल होने से बिल्डिंग का डेड लोड कम हो जाता है और थर्मल इंसुलेशन सहित ऊर्जा की बचत होती है। 1024 फ्लैट्स को इंदौर में बनाया जा रहा है, जिसमें से एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपये तय की गई है। इंदौर को भी शामिल किया गया है जहाँ पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और फिलहाल हम उस स्पॉट पर खड़े हैं जहाँ पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि पूरे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। सर, किस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और किस प्रकार की तकनीक का इसमें इस्तेमाल होगा? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक इनोवेशन किया जा रहा है, जिसमें 6 शहरों का चयन किया गया। चूँकि इंदौर हमारा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, इसलिए इसका भी चयन हुआ है, और यहाँ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के नाम से ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ 1024 यूनिट बनना है। यहाँ इंदौर के लिए जो टेक्नोलॉजी फाइनल हुई है उसमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचना ये है कि 6 जगह हम एक जो मॉडल बनाएंगे वो एक प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। तो IIT के स्टूडेंट हैं, IIM के हैं, और आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, वो इनको देखेंगे, अपना रिसर्च करेंगे और फिर इसको पूरे देश में एक्सपांड करेंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसके जो है क्या बाद में जो रिजल्ट आते हैं, इस काम करने में क्या सहूलियत है, उन सब चीज़ों पर विचार करके जो है फिर इसको और दूसरे शहरों में भी अप्लाई किया जाएगा। सर, मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो इस मॉडल में अगर आप बताएंगे किस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा? ये आपने मॉडल देखा है, आपने जो है फोटोग्राफी भी की है, इसमें हम 8 टावर बन रहे हैं और आगे पीछे मिला के 16 टावर होंगे, जिसमें 1024 यूनिट बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी एजेंसी को पूरा जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का डेवलपमेंट भी इन्हीं को करना है, मतलब पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके हैंडेड ओवर करेंगे नगर निगम को, चाहे रोड हो, सीवर हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गार्डनिंग हो, ये सारा काम भी इसी एजेंसी को दिया गया है। तो दोनों बिल्डिंग भी बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। खास बात क्या रहने वाली, क्या इसकी दीवारें कुछ अलग प्रकार की होंगी, इसमें सीमेंट का जुड़ाव नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी तक जो हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से बना रहे थे, RCC कॉलम बीम खड़ा करना, ब्रिक मैशनरी से दीवारें बनाना, इसमें है फैब्रिकेटेड कॉलम बीम आएंगे और जो दीवारों की जगह फैब्रिकेटेड पैनल्स रहेंगे। तो इसमें कोई जुड़ाई वगैरह नहीं होना, कोई कॉन्क्रीटिंग का काम नहीं होगा छत वगैरह में, ये सीधे पैनल आएंगे और वो फैब्रिकेट करके जो है उसको इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से ये कम समय का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको केवल 12 महीने का समय दिया, 3 महीने का समय उसके लिए है कि कोई भी जो आवश्यक अनुमतियाँ वगैरह प्राप्त करना है। इस तरह से इनको 15 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंडेड ओवर करना है। सर, क्या ये यूनिट्स तैयार होने के बाद कोई प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट बिल्डर भी इस तरह की बिल्डिंग्स बना सकेगा?
हाँ बिल्कुल, इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य ये है कि प्रयोगशाला के रूप में काम हो, दूसरे शहर के लोग, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, आईआईटी, आईआईएम के स्टूडेंट्स इससे रिसर्च करें, देखें, सीखें और कोई सुधार की गुंजाइश हो वो करें और नई नई इनोवेशन करके दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में भी इसका, इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर जाएं। क्या भारत में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, मतलब ये जापान वगैरह में तो बहुत सारे काम हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी पे, हमारे यहाँ इंदौर में ही हो रहा है और जो दूसरे अन्य पांच शहर हैं वो अलग अलग पांच टेक्नोलॉजी, टोटल 54 टेक्नोलॉजी को लिया गया था, उसमें से 6 टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से ये इनोवेशन का काम है। लेकिन लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है एक नई तकनीक से हिंदुस्तान में भी इस तरह के मकान तैयार करने की योजना है जिससे कि सस्ते घर आसानी से उपलब्ध किए जा सकें। ईटी भारत के लिए अंशुल मुकाती, इंदौर।